हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आप सबको वेलकम करती हूँ एडुकेशन विद टेक्निकल स्किल एडुटेक स्किल का एक नया शानदार एपिसोड में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एआई लैंग्वेज मॉडल टूल के बारे में, जो कि अभी बहुत फेमस है। आप सबको इसके बारे में जानते होंगे, जिसका नाम है चैट जीपीटी। आजकल ये शायद पूरा वर्ल्ड में तहलका मचा के रखा हुआ है। सो इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, उसका किस बेसिस पे काम करता है और कैसे आपको अपना हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, आज उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, चैट जीपीटी एक वरदान जैसा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेशन बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था, बट अभी बहुत सारा ऐसे टूल्स निकल आए हैं जो कि आपके डेली लाइफ में आपका हर एक काम को इजी बना देता है। जैसे आपका गूगल असिस्टेंट काम करता है, या फिर आपका सीरी, अलेक्सा, ये सब आपका काम को कितना इजी बना देते हैं ना, तो ऐसे ही चैट जीपीटी, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, और इसी रिलेटेड आपको YouTube में बहुत सारा हजारों वीडियो मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा कंटेंट गैप को मेकअप करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक AI लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय OpenAI एंड डिजाइन टू जेनरेट टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्सेज टू नेचुरल लैंग्वेजेस इनपुट्स। इट इज ए पार्ट ऑफ जीपीटी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर family of models which are based on deep learning algorithms and have been trained on massive amount of text data to generate human-like responses to a wide range of inputs। और ये एक चैट बॉट है, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू ये यूजर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आप उसको पूछ रहे हैं, उसका आंसर जेनरेट करके टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको देता है। सो फ्रेंड्स, ये चैट जीपीटी क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। चैट जीपीटी मतलब चैट प्लस जीपीटी। चैट का मतलब आपको पता है कि कन्वर्सेशन, और जीपीटी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। सो ये सबसे पहले 2018 में स्टार्ट हुआ था। देन इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, डेवलप किया गया। देन आया चैट जीपीटी 2, देन चैट जीपीटी 3 उसके बाद, और इसको थोड़ा सा एडवांस, और हम लोगों को थोड़ा सा एडवांस एक्सपीरियंस देने के लिए चैट जीपीटी 3.5 आया, और अभी का जो जीपीटी है वो 3.5 आर्किटेक्चर पे ही काम कर रहा है। चैट जीपीटी 4 भी लॉन्च हो गया है और वो और भी एडवांस है। आगे चैट जीपीटी का फ्यूचर क्या है वो तो बोलना मुश्किल है, वो आपको देख के ही पता चलेगा। बहुत सारा ह्यूमन टास्क वो अपने सर पे ले लेगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा, आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने नहीं पड़ेगा। जो लोग थोड़ा कॉन्टेंट क्रिएशन में वीक है, या फिर कहीं पर डाउट है, सपोज आप इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर एक स्टूडेंट कहीं पे मैथ करते करते फंस गया है, या फिर कोई साइंस का एक टॉपिक जिसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है और उसके बारे में वो इजी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, ये सब चीज़ के लिए चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा। चैट जीपीटी आंसर कहाँ से लाता है? मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डाटा, बुक्स, आर्टिकल, वेब पेजेस, ये सबको लेके चैट जीपीटी को पहले से ही ट्रेन किया गया है इसी टाइप का आंसर प्रोवाइड करने के लिए। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस एंड टॉपिक्स कवर्ड है, ताकि ये मॉडल एबिलिटी को ठीक से समझ के उसी के अकॉर्डिंग आंसर प्रोवाइड करे। अभी चैट जीपीटी का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ के उसका सही से आंसर देता है कि नहीं, वो थोड़ा हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो चैट जीपीटी आप कैसे ओपन करें? सबसे पहले गूगल सर्च इंजन में जाके टाइप open.ai करने के बाद आप open.ai के मेन साइट में चले जाएंगे। वहाँ पे आपको ट्राई चैट जीपीटी करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट चैट जीपीटी के साइट में आप पहुँच जाएंगे। देन आप अपना गूगल का अकाउंट या फिर जो भी ईमेल एड्रेस देके इसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद हम लोग अभी कुछ भी चैट करेंगे चैट जीपीटी के साथ। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट के हिसाब से मैथ, साइंस और जीके इस टाइप का क्वेश्चन
पूछी हूँ। ये देखिए एक जीके क्वेश्चन मैं दूसरे साइड से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की हूँ और इसका आंसर क्या आता है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए गोल्ड रिंग विच इज 50% प्योर, इट्स प्योरिटी कैन बी अल्टरनेटिवली शोन एज। तो इसमें कुछ कैरेट्स का ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया है, उसका आंसर क्या है। देखिए चैट जीपीटी कैसे आंसर प्रोवाइड करता है, इसमें 12 कैरेट लिखा हुआ है बट आंसर भी 12 कैरेट ही है, बट इसको एक्सप्लेन इतने अच्छे तरीके से किया है कि कोई भी अच्छे से समझ पाएगा क्यों 12 कैरेट होगा। सो अभी हम लोग एक दूसरा मैथ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके देखते हैं सही से आंसर दे पाता है कि नहीं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन की हूँ, इफ़ 1 = 3, 2 = 3, 3 = 5, 4 = 4, 5 = 4, देन 6 = what। देखिए यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से वो आंसर को एक्सप्लेन किया है, आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपको क्लास में क्वेश्चन पूछने के लिए हेजिटेट हो रहे हैं देन आप चैट जीपीटी के साथ उसका आंसर आराम से कर सकते हैं, आपका हर डाउट क्लियर हो सकता है। सो अभी मैथ क्वेश्चन हो गया, देन हम लोग एक नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन पूछ के देखते हैं वो सही से कर पाता है कि नहीं। मैं यहाँ पे एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछी हूँ, दूसरे साइड से उठा के मैं क्वेश्चन लाई हूँ। क्वेश्चन है, कैन वाटर स्टे लिक्विड बिलो 0°C? देखिए इसको कितने अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ही आप अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं, बट उसे कॉपी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए, वहाँ से आइडिया लीजिए बट डायरेक्ट कॉपी मत कीजिए। अगर आप एक साइंटिस्ट हो या टीचर हो या जो भी हो, आई थिंक ये हर फील्ड के स्टाफ्स को या स्टूडेंट्स को सबको हेल्पफुल होगा। सो आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि चैट जीपीटी को लेके कैसे मनी इनकम कर सकते हैं। ऐसे तो वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, बट उसी को इनडायरेक्टली लेके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टेंट क्रिएशन। अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर है तो आप अपना कंटेंट आराम से जनरेट कर सकते हैं, उसका टाइटल टैग जो एसईओ बहुत कुछ कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली ये आपको हेल्प करेगा जॉब देने में। और अगर आप अपना लिंक्डइन में अपडेट कर लेते हैं, आपका जो बायो है या अबाउट है, ये सब प्रोफेशनल टाइप से अगर आपको लिखना नहीं आता तो चैट जीपीटी के हेल्प से आप उसको अपडेट कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग और प्रोफेशनल वर्डिंग के साथ। देन अगर आप यूट्यूब में कुछ करना चाहते हैं चैट जीपीटी को लेके, सबसे पहले एक टॉपिक में जाके चैट जीपीटी को कुछ क्वेश्चन कीजिए, लाइक एक स्टोरी हुआ या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीच या फिर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। देन जो टेक्स्ट आएगा टेक्स्ट को आप स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पिक्साबे या पिक्सेल से इमेज वीडियो फुटेज लेके आप उसको एडिटिंग करके इंटरनेट में डाल सकते हैं, यानी कि यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं या फिर रील्स बना सकते हैं, तो वो भी आपको इनकम दे सकता है। थर्ड वन इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट चैट जीपीटी को टॉपिक देके फिर उसका जो कंटेंट आएगा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वो मत कीजिए। आप कुछ भी टॉपिक के बारे में ब्लॉगिंग अगर कर रहे हैं उसका पहले शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बना लीजिए, देन आप सपोज 1200 वर्ड का एक ब्लॉग लिख रहे हैं, सबसे पहले उसको पार्ट पार्ट करके क्वेश्चन लिख लीजिए, देन उसी क्वेश्चन को लेके चैट जीपीटी को पूछिए, उससे कुछ कंटेंट लीजिए और अपना दिमाग का यूज कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा कि अगर आपका कंटेंट पे कोई एरर होगा या फिर आपको ठीक से लिखना नहीं आता है तो उस मैटर में आप चैट जीपीटी से वर्डिंग लेके आप अपना कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, सो दैट ये आपको भी एक पैसिव इनकम देगा। सो ऐसे आप अपना जो डेली काम है उसमें आपको बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, तो अगर कुछ उल्टा सीधा बॉस आपको टास्क दे दिया तो उसको भी आप चैट जीपीटी के मदद से कर सकते हैं। अगर हम लोग कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि कंटेंट क्रिएशन चैट जीपीटी के साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन डाली हूँ, राइट मी ए ब्लॉग ऑन हाउ ट्रैवलिंग इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आपका ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग क्रिएट किए हैं तो उसी का रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के आप उससे आइडिया ले सकते हैं और कंटेंट को कैसे बड़ा बनाना है वो भी कर सकते हैं। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग के ऊपर वो एक ब्लॉग मुझे दे दिया। आप
चैट जीपीटी को लेके कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं, मतलब वो भी आपके लिए एक इनकम सोर्स हो जाएगा। बहुत सारे कंपनीज प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हायर करते हैं, तो आप चैट जीपीटी के मदद से वो भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैं और एक आर्टिकल के लिए पूछी हूँ, गिव मी एन आर्टिकल ऑन SEO विद इन 5000 वर्ड्स। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा खासा आर्टिकल दे दिया है 5000 वर्ड्स के अंदर, बट 5000 वर्ड जहाँ पे हुआ वो वहाँ पे रुक गया, मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। तो इसका भी ध्यान रखें, इसको जो भी कमांड देंगे वो एक्यूरेटली फॉलो करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी बहुत सारे लोगों का जॉब ले लेगा। हाँ ये सच है, बट वो सिर्फ उन्हीं लोगों का जॉब लेगा जो टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। अगर आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसका एंड्रॉयड वर्जन चेंज हो जाता है तो आप उसको फेंक देते हैं, तो फिर अगर आप अपना लाइफ में अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह ही जाएंगे ना, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। सो आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें चैट जीपीटी का हेल्प लेके और थोड़ा सा उसको एडवांस बनाइए। ऐसा नहीं है कि वो कर दिया तो आप अपना जो भी जॉब कर रहे हैं उसे क्विट कर लेंगे। सो मेरा ये सजेशन है, तो चैट जीपीटी को लेके आप अपना काम को और एडवांस बना के आप उसका और कुछ बेनिफिट निकालिए, या फिर ऐसा रास्ता देखिए जो कि आपके लिए और भी हेल्पफुल साबित होगा। अगर हम लोग उतना फ़ायदा के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस बहुत कुछ इसमें नहीं है, बट अगर कोई टॉपिक के बारे में आप उसको पूछ रहे हैं, इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो उसका आप सही आंसर मिल जाएगा, बट वो 100% एक्यूरेट है कि नहीं वो चैट जीपीटी भी दावा नहीं कर सकता है कि ये 100% करेक्ट आंसर दिया गया है। आप उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए, उसका रिलेटेड ओरिजिनल साइट यानी कि सोर्स साइट पे जाके क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर जनरली कोई ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका बहुत सारा चांसेस है कि वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। लिमिटेशंस में इसमें और एक बात है कि आप लोकल लैंग्वेज में अगर कुछ पूछ रहे हैं उसका एक्यूरेसी रेट बहुत ही कम है। यहाँ पे मैं एक उड़िया में जगन्नाथ जी के ऊपर एक आर्टिकल लिखने के लिए डाली हूँ कमांड, बट यहाँ पे देखिए जो भी आंसर दे रहा है उतना ठीक नहीं है, बट बहुत अच्छा कोशिश किया है आंसर देने के लिए, बट एक्यूरेट नहीं है ये। सो अगर आप रीजनल लैंग्वेज पे आ जाते तो उतना अच्छा ये काम नहीं करता है, बट अगर हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं उसका एक्यूरेसी लेवल कंपेयर टू इंग्लिश थोड़ा कम है। तो यहाँ पे ट्रेडिशन के ऊपर मैं हिंदी में एक आर्टिकल लिखने के लिए कमांड डाली हूँ, यहाँ पे देखिए फिर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक वो आंसर जेनरेट किया है, बट इंग्लिश में सबसे अच्छा आंसर देता है, एक्यूरेसी लेवल सबसे ज़्यादा होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री, यहाँ पे ऊपर जो भी आप जिस दिन का कुछ चार्ट किए हैं उसका हिस्ट्री है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आपका आप उसका अपग्रेडेड वाला वर्जन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप प्लस में जाके परचेज कर सकते हैं। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चैट जीपीटी का कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। जो भी मोबाइल एप्लीकेशन चैट जीपीटी 4 के साथ आसपास कुछ नाम डाल के कर देते हैं वो ओपन एआई का नहीं है, वो बाकी दूसरे किसी कंपनी ने डेवलप किया है। उसका प्रमोशन अच्छा रखने के लिए, उसका डाउनलोड ज़्यादा करने के लिए वो चैट जीपीटी का नाम यूज़ करते हैं, बट ये अभी के लिए ओनली वेबसाइट में एक्सेस कर सकते हैं, इसका कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना हुआ है। बट ओवरऑली ये बहुत ही हेल्पफुल है। लिमिटेशंस को आप पॉजिटिव वे में लेके उसी के ऊपर काम करेंगे और ये सारे पॉइंट को ध्यान में रख के आप चैट जीपीटी का यूज़ करें, तो इसीलिए मैं इसका लिमिटेशंस आपको बता दी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, and it's a kind request to like and share my video with your friends if you think it's useful for you and your friends.